Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum guys. I'm Shafaq. And I'm Asad. Welcome to our next video. इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में. How it all started in China, how it affected our lives and what is the current situation. आजकल के हालात हैं कोरोना वायरस के दुनिया में और चाइना में. Okay guys, so कोरोना वायरस जिसको अब ऑफिशियल नेम दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 का नाम दिया गया है इसको. इसका फर्स्ट केस जो चाइना में रिपोर्ट होना शुरू हुए थे वो इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में थे. बाद में ये पता चला कि उससे भी टू टू थ्री वीक्स पहले इसके केसेस आना शुरू हुए थे, मगर अथॉरिटीज़ ने उसको सीरियस उस तरह नहीं लिया था और कोई प्रूफ नहीं आ रहा था कि ये इस तरह का इतना डेडली और नया वायरस आ गया. जो फर्स्ट कोरोना वायरस केस था जिसको ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया और कहा गया कि ये डिफरेंट है नॉर्मल फ्लू से, वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में था. उसके बाद से ये चीज़ बढ़ना शुरू हुई और फर्स्ट केसेस ओरिजिनेटेड इन वुहान सिटी है यहाँ का, खूबे प्रोविंस है चाइना का, उसका मेन सिटी है, वन ऑफ द मेन सिटीज वुहान, वहाँ पे शुरू हुआ है और वुहान ही सेंटर रहा है इस पूरे वायरस का और सबसे ज़्यादा डेथ्स और सबसे ज़्यादा केसेस भी वुहान में ही हुए हैं. वुहान में ये वायरस जो है ये स्टार्ट हुआ और वुहान की पॉपुलेशन 11 मिलियन है तकरीबन और खबे प्रोविंस की जो पॉपुलेशन है वो 60 मिलियन के अराउंड है. वुहान में सबसे पहले जिन डॉक्टर ने ये बात आइडेंटिफाई की थी कि ये वायरस जो है ये नॉर्मल डिजीज़ नहीं है, उनका नाम था डॉक्टर ली विनयांग. पर उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया था. ये डॉक्टर वहीं वुहान में थे और ये ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को. ये भी अफेक्ट हो गए थे और इनकी डेथ जो है वो फरवरी में हो गई थी. और इनकी डेथ के बाद चाइना के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया था और बहुत उदास हुए थे सब लोग. Yes, और इसके ही रिएक्शन में फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो हुबे प्रोविंस था इनका, इसके टू टॉप जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे उनको भी डिसमिस किया था क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में इतना सीरियस नहीं लिया था. उसके अलावा जो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दिस इज कि जब ये सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हुई तो वुहान में चाइनीज़ ने टू हॉस्पिटल्स बनाए थे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days to 10 days, मतलब 7 से 10 दिनों में उन्होंने दो हॉस्पिटल्स पूरे के पूरे कंस्ट्रक्ट किए थे. एक हॉस्पिटल 1000 बेड्स की कैपेसिटी का था और दूसरा 1300 बेड्स की कैपेसिटी का था. और फर्स्ट की इन्होंने स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन 24 जनवरी से, जो कि वैसे डेजिग्नेटेड हॉलीडेज होती हैं, लेकिन उन्होंने राउंड द क्लॉक काम किया था और उसको ऑपरेट किया था 7 to 8 days में. और उसके साथ ही इन्होंने दूसरा हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल इतने ज़्यादा थे वुहान में कि उनको अकोमोडेट करना मुश्किल हो रहा था. जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि चाइना में ओवरऑल अभी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो अराउंड 79,000 कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली अराउंड 2800 लोगों की डेथ हो चुकी हैं अभी तक. और जो क्रिटिकल कंडीशन में लोग हैं वो तकरीबन 8,000 हैं फिगर जो दिया जा रहा है. 40,000 लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है और ऑलमोस्ट 36,000 लोग फुली रिकवर होके डिस्चार्ज कर दिए गए हैं. ये जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये हम लोग नॉर्मली लेते हैं यहाँ पे वी चैट, बहुत कॉमनली यूज होता है, तो वहाँ पे ब्लॉग्स हैं द बीजिंगर के नाम से, हम वहाँ से कोट कर रहे हैं ज़्यादातर और वो लोग आगे से लेते हैं ऑफिशियल अकाउंट से. इन्होंने यहाँ पे बीजिंग जो गवर्नमेंट है, म्यूनसिपल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अलग से अपने ऑफिशियल अकाउंट्स रखे हैं जिसमें वो रोज़ाना अपडेट करते हैं. और चाइनीज़ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपने वीचैट अकाउंट्स और ब्रीफिंग्स देते हैं रोज़ाना की, जिसमें वो अपडेट करते हैं और कन्फर्म करते हैं केसेस. तो ये जो नंबर्स हम कोट कर रहे हैं ये उनकी तरफ से दिए गए हैं. बीजिंग में जो इस टाइम पे सिचुएशन है वो टोटल केसेस हो चुके हैं 410, जिसमें से 7 डेथ्स हो चुकी हैं और 12 लोगों की हालत क्रिटिकल है अभी और ऑलमोस्ट 250 लोगों को ट्रीटमेंट सक्सेसफुली दे के उनको घर भी दे भेज दिया गया, वो लोग सेहतयाब होकर घर आ गए. ये तो हो गए फैक्ट्स. अब बात करते हैं हमारी कि हमारे साथ क्या हुआ.
न्यू ईयर हॉलीडेज में उससे पहले ये वायरस आउटब्रेक हो चुका था, लेकिन यहाँ बीजिंग में कोई खास अलर्ट्स नहीं थे, सिर्फ इतना था कि मास्क वगैरह यूज करें और इस तरह से। लेकिन जब न्यू ईयर हॉलीडेज हुई और उन हॉलीडेज में ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था, तो यहाँ बीजिंग में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। हम लोगों को अलाउड नहीं था बाहर जाना, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था, हमारे गेट्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हमें ग्रॉसरीज वगैरह, खाने पीने की चीज़ें हमें रूम्स के अंदर प्रोवाइड की जा रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप था चाइनीज़ गवर्नमेंट की वजह से। और हमें इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया ये हमारी वेलबींग के लिए इन्होंने किया, तो हमें कोई इशू नहीं है इससे। हम लोग यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं सब बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन सब के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। As she mentioned, इस पीरियड के दौरान अगर कोई बाहर गया हुआ था स्टूडेंट किसी भी वजह से और वापस आया और पहले नहीं था लॉकडाउन जब स्टार्ट हो गया था तो आते थे, तो उन्हें इन्होंने 14 डेज क्वारंटीन पीरियड आइसोलेशन में रखा था और उसके लिए स्पेशल यहाँ पे एक कैलेन अलग से बिल्डिंग है, वहाँ पे सबको अलग अलग रूम्स में रखा था और उनको खाना पीना सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। वंस अगेन बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें अकोमोडेट किया और बहुत ख्याल रखा है। वी वर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशूज, मतलब हमें जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी हम लोग सिर्फ लिस्ट बना के देते थे और वो चीज़ें आती थी और हमें ऑलमोस्ट डोर स्टेप पर मिलती थी। पानी का जो इशू था वो आप देख लिया, वो भी हम लोगों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। कुछ बाहर से हमने ऑर्डर करना है वो भी हम ऑर्डर कर सकते थे। सब स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे, यहाँ पे इतना इशू नहीं हुआ, सबने एक दूसरे के साथ बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया एक दूसरे को। लेकिन पाकिस्तान में जो मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इसको पोर्ट्रे किया, जिसकी वजह से हमारी जो फैमिलीज हैं वो परेशान हो गई। हमारे घर से भी हमें कॉल्स दिन रात कॉल जाना शुरू हो गई कि आप लोग बस अभी के अभी पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन हम लोगों ने फिर अपनी फैमिलीज को समझाया, उनको पोजीशन का बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इन्होंने रखा है, बहुत केयर की जा रही है, और अगर हम ट्रैवल करेंगे तो वो भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करना, बहुत सी जो एयरलाइंस थी उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी थी, तो यहाँ से ट्रैवल करना भी कोई सेफ़ नहीं था। हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेके डिफरेंट कंट्रीज से होके पाकिस्तान तक पहुँचना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी। तो इस वजह से हमने अपनी फैमिलीज़ को समझाया, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और कोई इशूज़ नहीं बन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी गवर्नमेंट है चाइना की, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा फॉरेनर्स का। तो स्टार्ट ये चाइना से हुआ था कोरोना वायरस, बट करंटली इट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन मोर देन 50 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेस ये हर कॉन्टिनेंट में स्प्रेड कर चुका है सिवाय अंटार्कटिका के। राइट नाउ जो आज और कल की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी उसके हिसाब से ये था कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं वहाँ पे पहले केसेस नहीं आ रहे थे, अब वहाँ पे भी नाइजीरिया में एक केस रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा मिडल ईस्ट में आपको पता है ईरान बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशंस में है, मोर देन 26 अराउंड 26 पीपल आर डेड और 200 से ज़ायद केसेस कन्फर्म हो चुके हैं वहाँ पे। उन्होंने जुम्मे की प्रेयर्स भी कैंसिल कर दी गई हैं पूरे ईरान में। चाइना में भी ये था, सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़, मसाजिद, चर्चेस, पार्क्स वगैरह, टेम्पल्स सब इन्होंने बंद कर दिए थे क्योंकि पब्लिक गैदरिंग्स को ये डिस्करेज कर रहे थे। उसके अलावा साउथ कोरिया, चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा केसेज हैं वो साउथ कोरिया में हैं, जहाँ पर तकरीबन 2400 केसेज अब हो गए हैं और 13 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। यूरोप में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड मुल्क है वो इटली है, वहाँ पे अराउंड 650 केसेस कंफर्म हो चुके हैं विद 17 डेथ्स। और इसके अलावा जो कंट्रीज शामिल हैं उसमें बेलारूस, लिथुआनिया, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, उसके अलावा रिसेंट जो आया है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने भी उम्रा सर्विसेज और जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको उन्होंने शट डाउन कर दिया टेम्परेरीली बिकॉज ऑफ दिस वायरस इशू। और ईरान के साथ भी यही हालात हैं कि वहाँ पे जो ज़ायरीन जाते थे
और जो बाकी फॉरनर्स आ रहे थे उनका भी आना जाना बंद हो गया है। और जनरल हाइजीन की जो प्रिकॉशंस हैं वो प्लीज़ फॉलो करें और गैदरिंग्स को अवॉइड करें। प्लीज़ बाहर मत जाएं कुछ अरसे के लिए। ये बाकी कंट्रीज़ के लिए भी है, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो उन सब के लिए भी है, और पाकिस्तान के लिए खसूसी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में भी दो केसेस रिसेंटली डायग्नोस हो चुके हैं इस वायरस के, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में। प्लीज़ पैनिक मत करें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। अगर आपको ज़रा सा भी कोई मसला होता है लाइक कफ़ या स्नीजिंग या वॉमिटिंग आपको स्टार्ट होती है तो अपना फौरी तौर पे चेकअप करवाएं, रेगुलरली अपना फीवर चेक करें। यहाँ पर भी हमारे डॉर्म में रेगुलर हमारा फीवर चेक होता है। पैनिक करने की उस तरह की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है अभी तक वो आ रहा है अराउंड 2%, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेडली है या एक दफ़ा अगर आप इन्फेक्ट हो जाएं तो देर इज़ नो होप, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग चाइना में भी रिकवर होके गए हैं, सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, अपना बहुत ख्याल रखें, हाइजीन का अपने खसूसी ख्याल रखें, अननेसेसरी पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करें, स्पेशली अगर कोई उन कंट्रीज से आ रहा है जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं लाइक चाइना, ईरान, इटली, साउथ कोरिया, अगर इन कंट्रीज से आ रहे हैं, अगर कोई जा रहा है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, अगर कोई जा रहा है तो वो क्वारंटीन स्टेप्स फॉलो करे, वो अपने आप को आइसोलेशन में रखने की कोशिश करे, ज़्यादा लोगों से इन कॉन्टेक्ट मत रहे। इट्स सेफ्टी प्रोसीजर्स, हमारे लिए भी अच्छा है और हमारी फैमिलीज और सिटीज़ और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, हमें हर चीज़ को गवर्नमेंट पे नहीं डालना है कि गवर्नमेंट ही हमें बचाएगी और वही सब कुछ करेगी, हम लोगों को खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना है। ओके गाइस, तो ये थे फैक्ट्स अबाउट कोरोना वायरस। बी सेफ गाइस, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, स्टे पॉजिटिव, और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लव यू गाइस, दुआ में याद रखें। ये हमारी वेल फंबल हो जाता है, अपने आसपास लोगों का